नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के सरकारी विद्यालयों में फिर से निरीक्षण प्रक्रिया होगी तेज। बिहार को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की तैयारी। सोनपुर मेले में पहुंची रिकॉर्ड तोड़ भीड़। विश्वविद्यालयों में शुरू होगी लाइब्रेरी लोन की सुविधा। सूर्या के शतक ने भारत को दिलाई शानदार जीत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के सरकारी विद्यालयों में फिर से निरीक्षण प्रक्रिया होगी तेज। राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक बार फिर से इसी माह से अफसरों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस दिन अफसरों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा बेस्ट मोबाइल ऐप पर ऑन द स्पॉट विद्यालय की तस्वीर खींचकर अपलोड करेंगे, ताकि मुख्यालय पर उसकी मॉनिटरिंग हो सके और किसी प्रकार की कमी या शिकायत पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। शिक्षा विभाग ने जिलों में तैनात अफसरों को विद्यालय निरीक्षण की कमान सौंपी है, लेकिन समय समय पर मुख्यालय के अफसर भी औचक निरीक्षण में जाएंगे। वहीं DEO हर महीने प्रारंभिक और 3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक नेहा शर्मा लाखों दिलों की धड़कन है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। उनका स्टाइल उनके फैंस को काफ़ी भाता है। नेहा शर्मा का जन्म आज ही के दिन बिहार के भागलपुर में 21 नवंबर 1987 को हुआ था। वह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता भागलपुर बिहार से कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि राजनीति में एंट्री करने से पहले एक्ट्रेस नेहा के पिता पेशे से इंजीनियर थे। पढ़ाई के दौरान ही ऑडिशन के बाद उन्हें साउथ की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। 2007 में उनकी साउथ मूवी चिरुथा रिलीज हुई थी। इस फिल्म से तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने भी डेब्यू किया था। निर्वाचन आयोग ने बिहार के 174 लोगों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर लगाया रोक। निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी कर बिहार के ऐसे 174 लोगों के अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, जो चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं। बता दें कि आयोग के द्वारा यह कार्रवाई इसलिए करवाई गई क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों ने खर्च समेत कई जानकारियां आयोग को उपलब्ध नहीं कराई थी। बताते चले कि इसी मामले को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई करें। विश्वविद्यालयों में शुरू होगी लाइब्रेरी लोन की सुविधा। बिहार के सभी 15 विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी लोन की सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग इसकी सैद्धांतिक तैयारी पूरी कर चुका है। नीतिगत निर्णय के लिए इस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को नीतिगत निर्णय लेना अभी बाकी है। जानकारों के मुताबिक इंटर लाइब्रेरी लोन के जरिए कोई भी विद्यार्थी, विशेषकर रिसर्च स्कॉलर या शिक्षक, अपनी मनचाहे किताब या शोध सामग्री दूसरे विश्वविद्यालय से मंगा सकेंगे। हालांकि यह किताबें विद्यार्थियों के पास एक निश्चित समय के लिए ही रहेंगे, उसके बाद उस किताब को उसी विश्वविद्यालय में वापस करना होगा। ऐसे में विद्यार्थी अब मुफ्त में दूसरे विश्वविद्यालय से किताबें मंगवा कर पढ़ सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों की सभी किताबों की वर्चुअल कैटलॉग भी बनाएगा, ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि किस विश्वविद्यालय में उनकी जरूरत की किताबें हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 25 रिक्तियों के लिए जारी किया अधिसूचना। इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के विभिन्न डिसिप्लिन में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के कुल मिलाकर 25 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में BE या BTech या MBA या MCA या ME या MTech या PG डिग्री पास होने के साथ ही 3 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो की इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की तैयारी। 20 नवंबर को पार्टनर स्टेट के रूप में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग ले रहे बिहार द्वारा बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि इस योजना
बता दें कि इस आयोजन का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम के दौरान कुमार महासेठ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्लग एंड प्ले मॉडल आधारित तैयार शेड की भी बात की है और उन्होंने कहा कि ये तैयार शेड ऐसे उद्यमियों को दिया जाएगा जो तुरंत ही अपना उद्योग बिहार में चालू करना चाहते हैं। वहीं बिहार अब इथेनॉल हब बनने की राह पर है। उन्होंने उद्यमियों से अपील की है कि बिहार का आकलन करें और बिहार में निवेश के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आईआईटी पटना के 9 शोधार्थियों का चयन। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आईआईटी पटना के 9 शोधार्थियों का चयन हुआ है। आईआईटी पटना के इन 9 शोधार्थियों को मई 2022 प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इन सभी शोधार्थियों को जल्द ही आकर्षक फेलोशिप और आकस्मिकता अनुदान दिया जाएगा। चयनित 9 शोधार्थियों में से 6 महिलाएं जबकि 3 पुरुष हैं। बता दें कि यह योजना 2018-19 में शुरू की गई थी और यह देश की सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप से एक है। फेलोशिप की राशि पहले 2 वर्ष के लिए 70,000 रुपये प्रतिमाह जबकि तीसरे वर्ष 75,000 प्रतिमाह और चौथे और पांचवें वर्ष 80,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। सोनपुर मेले में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ भीड़। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला व धार्मिक आध्यात्मिक ऐतिहासिक होने के साथ साथ आज भी ग्रामीण परिवेश को अपने में समेटे हुए हैं। मेले में पहुंचकर शहरी लोग भी अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन सोनपुर मेले में 1.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। किसी भी स्टॉल या प्रदर्शनी के पंडाल में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही थी। सभी सड़कें खचाखच भरी हुई थी। लोगों की पसंदीदा रामायण मंचन के साथ साथ पर्यटन विभाग के मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि यह खुशी मायूसी में तब तब्दील हो गई जब यहां एक झूला अचानक हवा में टूट गया और काफी ऊंचाई से गिर गया। झूले में कई लोगों के बैठे हुए थे। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को लोग गोद में उठाकर मेला स्थल से बाहर ले गए जहां से सभी घायलों को फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं मेले में गैस रिसाव से भी भगदड़ मचने की जानकारी मिली है। अगले 3 दिनों में प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को मौसम सुहावना रहने के बावजूद मौसम विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिन में ठंड बढ़ सकती है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में जैसे गया, कैमूर और रोहतास के कुछ जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में पारा 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट का कारण हिमालय की चोटी से आने वाली सर्द पश्चिमी हवाएं हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले कुछ दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हुई है जिससे देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सर्द हवाओं के तेज होने का संभावना है। बक्सर में आज से शुरू हुआ 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महोत्सव। 21 नवंबर यानी कि आज से बिहार के बक्सर जिले के नया बाजार स्थित श्री सीताराम विवाह आश्रम पर विश्व प्रसिद्ध 9 दिवसीय कार्यक्रम सीएपीए मिलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान 24 घंटे 9 दिनों तक मध्य प्रदेश दमोह से आई श्री हरिनाम संकीर्तन मंडली द्वारा हरि संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिदिन 6 बजे से 9 बजे सुबह तक आश्रम के लोगों द्वारा श्री रामचरितमानस का सामूहिक नवाह पाठ, वृंदावन के श्री कुंज बिहारी शर्मा के रामलीला एवं कृष्ण लीला का आयोजन, दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक विश्वनाथ शुक्ल श्रृंगारी द्वारा मिथिला पद गायन का भी आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न आश्रमों से संत और महात्मा भी पहुंचेंगे। बिहार झारखंड राज्य की राजधानी की दूरी हुई कम। बिहार और झारखंड की राजधानी की दूरी 3 घंटे की कम हो गई है क्योंकि इन दो जगहों को जोड़ने वाले नए रेल रूट का निर्माण पूरा हो गया है। जी हां, दरअसल रांची पटना के बीच चलने वाले ट्रेनों को अब गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। बरकाकाना से सीधे हजारीबाग कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएंगी। नई रेल लाइन के जरिए रांची से पटना के बीच की दूरी 13 की जगह 11 घंटे में तय हो सकेगी। गौरतलब है कि नवनिर्मित सिद्धवार साकी 27 किलोमीटर रेलखंड पर सफलतापूर्वक इंजन का ट्रायल रन किया जा चुका है। इस रेलखंड में 4 टनल, 32 मोड़ और 5 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इस नए रेल रूट का उद्घाटन जल्द किया जाएगा। 7 मजदूर
कश्मीर के अनंतनाग से बिहार लौटे। बिहार के गोपालगंज जिले के 7 मजदूर सांसद और गृह विभाग की सफल पहल से अपने गांव लौटने में सफल हो गए हैं। लौटने के बाद उन मजदूरों ने कहा कि वे अब अपने राज्य में ही रहकर कमाई करेंगे, लेकिन वापस वहां लौटकर नहीं जाएंगे। दरअसल कश्मीर के अनंतनाग में गोपालगंज जिले के बहुत लोग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उन मजदूरों में 7 मजदूर ऐसे थे जिन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान तैनात नेपाली नागरिक बहादुर थापा की गोली लग गई और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उन मजदूरों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा नजरबंद कर दिया गया था और उनके परिवार को 12 दिनों तक जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद सांसद और गृह विभाग की मदद से उन्हें गांव वापस लाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि वापस घर लौटने वाले मजदूरों में मसान थाना गाँव के नगीना राम, धर्मेंद्र राम, सुनील राम, मुन्ना साह, हीरा पाकड़ गाँव के, हरिंद्र मांझी चढ़ाव गाँव निवासी सुरेंद्र राम शामिल हैं। बिहार स्थित तपोवन इस वजह से है बेहद खास। तपोवन यथिवाना के पास अभी जेठियाना, जहां राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध से मिले, ह्वेनसांग ने तपोवन की 2 गर्म पानी की धाराओं की एक पवित्र यात्रा की जो बुद्ध द्वारा बनाई गई और आशीर्वाद दिया गया। ह्वेनसांग के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहां स्नान किया और उसके बाद चारों तरफ से लोग स्नान करने के लिए आते थे और पुराने रोग से छुटकारा पाते थे। अभी एक दूर स्थानों से लोगों को इन पवित्र स्प्रिंग्स में एक पवित्र डुबकी लेने के लिए यहाँ इकट्ठा देखा जा सकता है। तपोवन में कई प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स हैं और गया से राजगीर तक पुराने मार्ग पर राजगीर से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में है। यह बुद्ध के पसंदीदा स्थानों में से एक था। पटना जंक्शन का होगा कायाकल्प, जाम से मिलेगी निजात। बिहार की राजधानी पटना के जंक्शन की सूरत बदलने जा रही है, यह दावा प्रशासन का है। प्रशासन का यह भी दावा है कि पटना जंक्शन में लगने वाले जाम से इस बदलाव के बाद मुक्ति मिल जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से बकरी मंडी में G2 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। यही नहीं, पटना जंक्शन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और मल्टी लेवल पार्किंग को जोड़ने के लिए सबवे के निर्माण कार्य में भी तेजी लाई गई है। वहीं 5 एकड़ में बन रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का ग्राउंड फ्लोर सिटी बस सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रथम फ्लोर पर ऑटो और कैब जबकि थर्ड फ्लोर पर कार उपलब्ध रहेगी। SBI ने सीनियर सिटीजन को दी बड़ी राहत। SBI ने सीनियर सिटीजन के लिए खास सुविधा मुहैया कराई है। वरिष्ठ नागरिक अब पेंशन स्लिप अपने व्हाट्सएप पर पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक ने अपने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि आराम से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका 9022690226 पर हाई लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। हाई मैसेज करने के बाद आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट और पेंशन स्लिप होगा। इसके बाद आपको पेंशन स्लिप पर क्लिक करें और वह मंथ सेलेक्ट करें जिस महीने का आप पेंशन स्लिप पाना चाहते हैं। कोहरा बना मुसीबत, फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द। बिहार के लोगों के लिए कोहरा मुसीबत बन गया है। बता दें कि ठंड में होने वाले कोहरे को देखते हुए रेलवे के द्वारा अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है कि उत्तर रेलवे से खुलने वाला गुजरने वाले कई ट्रेनों को आंशिक रूप से 1 दिसंबर से रद्द कर दिया गया है। रद्द होने वाले ट्रेनों में सहरसा आनंद विहार पूर्विया एक्सप्रेस, जिसे 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक मनखी से सहरसा होकर अमृतसर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस को 3 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। अमृतसर सहरसा बनमनखी जनसेवा एक्सप्रेस को 1 दिसंबर से 2 मार्च तक रद्द करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आनंद विहार सहरसा पूर्विया एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक रद्द करने का रेलवे के द्वारा निर्णय लिया गया है और ही वे 4.5 ट्रेनें हैं जिन्हें रेलवे के द्वारा रद्द करने की सूची में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनों के फेरे भी घटाए जाएंगे जो लंबी दूरी का सफर करते हैं। इसके लिए डिवीजन और मुख्यालय स्तर पर ट्रेनों का रिव्यू कर अधिसूचना धीरे धीरे जारी की जाएगी। टाटा की TCS देगी युवकों को YP प्रशिक्षण। बिहार के युवाओं को IT सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप आगे आया है। श्रम संसाधन विभाग और अब प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अपने यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी YEP की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 22 नवम्बर को करने जा रही है। नियोजन पदाधिकारी मृणाल चौधरी ने कहा कि TCS के अलावा IBM, माइक्रोसॉफ्ट और जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी बात हो रही है। जल्द ही वो लोग भी दरभंगा के युवाओं को जरूरी कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम दरभंगा जिले के 6 महाविद्यालयों में किया जाएगा।
जेल लौटते समय आनंद मोहन ने कही ये बात। गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्ण हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों की पेरोल के बाद रविवार को सहरसा मंडल कारा वापस चले गए। उन्हें इकलौते पुत्री सुरभि आनंद की सगाई के लिए पेरोल की सुविधा मिली थी। उन्हें जेल तक वापस छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। जेल वापस जाने के पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि 15 दिनों तक परिवार के बीच रहने, दोस्त शुभचिंतकों से हुई मुलाकात के कारण काफी सुकून महसूस किया। आनंद मोहन ने कहा कि झूठे मामले में फंसने के बाद भी न्यायपालिका से मिले आदेश का सम्मान करते हुए वो अपना जेल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी उन्हें न्यायपालिका का काफी भरोसा है। विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार पर जोरदार जुबानी हमला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भवन निर्माण, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अनुरक्षण एवं मरम्मति के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखने और उन विभागों को स्वयं अभियंता एवं कर्मियों को बहाल करने के निर्देश पर कहा कि सरकार इन उपायों के जरिए अवैध कमाई का मौका तलाश रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में अन्य सभी विभागों का भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा ही कराए जाते हैं। यहाँ तक कि कला संस्कृति एवं विभाग जैसे छोटे विभाग का भी कार्य यही कराते हैं। इन कार्यों के द्वारा जदयू के लिए धन राशि इकट्ठा किया जाता है। सिन्हा ने कहा कि सरकार में यदि दम है तो सभी विभागों को अपना अभियंत्रण सेल बनाने की अनुमति दे। पटना यूनिवर्सिटी में जदयू की बड़ी जीत पर बोले ललन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रविवार को कहा कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जदयू को 4 सीटों पर मिली जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर युवाओं के भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्रों और नौजवानों ने केंद्र की जुमला वाली सरकार को नाकार दिया है। बिहार के युवाओं ने दिखाया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जदयू के छात्र संगठन को बड़ी जीत मिली है और भाजपा के एबीवीपी को युवाओं ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस बार के छात्र संघ के चुनाव में सही उम्मीदवारों का चयन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों और नौजवानों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। बिहार में रोजगार सृजन हो रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि छात्र और नौजवान सीएम नीतीश पर भरोसा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बताया पेंडुलम। चुनावी रणनीतिकार और जनसराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और तंज कसाया। उन्होंने नीतीश कुमार को भाजपा और राजद के बीच का पेंडुलम बताया है और जनसराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने बीते दिन कहा कि बिहार की जनता भी क्या करे, यहां तो विकल्प ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। जनता वोट देती है तो वो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं, कभी बीजेपी से मिल जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ निकल जाते हैं। इसके साथ ही बिहार में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को शराबबंदी का हर्जाना बताते हुए हमला बोला है। सूर्या के शतक ने भारत को दिलाई शानदार जीत। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन पूरी टीम केवल 126 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन ने सर्वाधिक 61 रन की पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। भारत की तरफ से सर्वाधिक 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए। सबसे बड़ी बात की सूर्यकुमार यादव ने धमाकेदार 111 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहाट का जन्म 1872 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक रहे। कृष्ण मेहताब का जन्म 1899 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का जन्म 1916 में हुआ। हिंदी के प्रमुख यशस्वी कथाकार ज्ञान रंजन का जन्म 1931 में हुआ। गुजरात की पहली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्म 1941 में हुआ। बहलोल लोदी का पुत्र और दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह लोदी का निधन 1517 में हुआ। भारतीय अधिवक्ता गांधीवादी नेता राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अविनाश लिंगम चौटियार का निधन 1921 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन का निधन 1970 में हुआ। वायरल खबरें में आज बात होगी आधार कार्ड धारकों को मिलने वाले लोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड धारकों को लोन मुहैया कराने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपये का लोन मुहैया करा रही है। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह क्लेम फेक है। इस तरह के संदेश फॉरवर्ड करने से बचें, अपने पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी देने से भी बचें।
गूगल मैप्स देगा आपकी गाड़ी से जुड़ा एक शानदार फीचर। गूगल मैप की सुविधा हो जाने के बाद से लोग अब दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी इंसान की सहायता के पहुंच रहे हैं। ऐसे में गूगल मैप भी अपने यूजर्स के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है। दरअसल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन में ही है। अब भारत में भी तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ी, स्कूटर और मोटरसाइकिल आ रही है। इसी को ध्यान रखते हुए गूगल ने अपनी ऐप में नया फास्ट चार्ज सर्च फिल्टर जोड़ दिया है। इस नए फीचर से यूजर्स गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन में 50 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशन की जानकारी पा सकेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, मृत्युंजय कुमार, योगेंद्र यादव, सूर्य सिंह, मिथिलेश कुमार, रवि शंकर, जितेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार, अर्जुन रजक, राहुल पांडे, रविंद्र पासवान, मयंक कुमार, अभय कुमार, पंकज कुमार दास, कविता कुमारी, राम नरेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में अफसरों के नियमित निरीक्षण से स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।